पंजाब के बठिंडा में मिलिट्री स्टेशन पर फायरिंग में 4 सैनिकों की मौत, पूरे इलाके को सील करके सर्च ऑपरेशन में जुटी है फोर्स, आतंकी हमले से इनकार। राजस्थान में आज से दौड़ेगी वंदे भारत ट्रेन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को करेंगे रवाना, दिल्ली कैंट और अजमेर के बीच चलेगी ट्रेन। गुजरात की साबरमती जेल में बंद अतीक को फिर लाया जा रहा है प्रयागराज, यूपी के झांसी से निकला काफिला, अतीक ने बोला मेरी माफियागिरी खत्म। अतीक के साथ ही उसके कुनबे पर कसा पुलिस का शिकंजा, भाई अशरफ को भी बरेली से लाया जा रहा है प्रयागराज, अशरफ की पत्नी को भी बनाया गया आरोपी। अनशन खत्म करने के बाद जयपुर से दिल्ली पहुंचे सचिन पायलट, कांग्रेस के बड़े नेताओं से कर सकते हैं आज मुलाकात, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत भी मामले में आज दे सकते हैं जवाब। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवारों की पहली सूची जारी, 189 उम्मीदवारों में 52 नए चेहरों को मिला मौका, येदुरप्पा के बेटे को शिकारीपुरा से टिकट। जिनको नए लोग हैं, जिनको भारतीय जनता पार्टी ने उनको चुनाव के लिए चुना, वो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट होंगे। म्यांमार में सेना ने अपने नागरिकों पर हेलीकॉप्टर के जरिए बरसाए बम, 100 से ज्यादा लोगों की मौत, मरने वालों में कई बच्चे और महिलाएं भी शामिल। बखमूत में रूस और यूक्रेन के बीच फिर शुरू हुई जंग, यूक्रेन की सेना ने रूस की फौज पर किया जोरदार पलटवार, एक दिन पहले ही रूस ने किया था बखमूत पर कब्जे का ऐलान। न्यूज 18 इंडिया लगातार बना हुआ है देश का नंबर वन हिंदी न्यूज चैनल, दर्शकों ने खबरों के लिए न्यूज 18 इंडिया पर जताया भरोसा। वन पर्सन बनता है वो जो सिर्फ रफ्तार नहीं जिम्मेदारी पर भी विश्वास रखता है, देश का नंबर वन न्यूज चैनल बनता है वो जो देश हित और जनहित दोनों को सर्वोपरि समझता है। न्यूज 18 इंडिया। प्रसाद, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बताएंगे, पंजाब के बठिंडा मिलिट्री स्टेशन में फायरिंग की घटना हुई है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता दुबे, लेकिन इसी खबर पर एक बड़ी अपडेट यह भी है कि इस फायरिंग में 4 सैनिकों की मौत हो गई है, पूरे इलाके को घेर लिया गया है, सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। आज सुबह 4:35 पे यह घटना हुई है, यानी